कन्नर 9 दे वजे थप्पड तो बाद उना दे बयान आउण तो बाद उसदी निंदा हर पासे हो रही है। पंजाब दे विच खास तौर ते कन्नर 9 वलो बोले गए शब्दा खिलाफ लोग जम के बोल रहे ने ते हुण एही गल कही है जसबीर जसी ने जो कि पंजाबी सिंगर ने। उना दा कहना है कि बीबी थप्पड अतवाद थोड़े ना हुंदा है, जिम्मेदारी वड्डी है, अजे भी सोच के बोल ले। जी हां, तुहानू दस दईए कि बीते दिन CISF कांस्टेबल ने कन्नर 9 दे थप्पड़ जड़ दिता सी ते उना दा कहना सी कि किसान अंदोलन दे खिलाफ जिस तरह दे नाल कंगना बोली सी ओ उनू नहीं बोलना चाहिदा सी। उसे चक्कर दे विच उना ने कंगना दे थप्पड़ जड़ दिता, लेकिन उस तो बाद जो बयान सामने आया उस दे विच कंगना ने सारियां हद्दां पार कर दित्तियां। उन्होंने साफ तौर ते कह दिता कि पंजाब च जो अतवाद वध रहा है इस दे बारे कुछ करना चाहिदा है। कंगना रनौत मंडी दी सीट तो MP दे इलेक्शन तक जीत गई है, लेकिन उना दा ऐसा बयान आना उसकी निंदा हर पासे हो रही है। ऐसे दे चलदे होए सोशल मीडिया उत्ते ता उना नू थां थां ते लोग सुना रहे ने, लेकिन हुण पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने भी यही गल कह दिती है कि बीबी थप्पड़ अतवाद थोड़े ना हुंदा है, जिम्मेदारी वड्डी है, अजे सोच के बोलो। MP बनन तो बाद कंगना रनौत दा ए बयान आना कोई छोटी गल नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट।